सो नमस्कार गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? ऐसे कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, लगातार जो संख्याएं होती हैं, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि ट्वाइस द फर्स्ट, थ्राइस थ्री टाइम्स द सेकेंड एंड फोर टाइम्स द थर्ड मेक्स 191, यानी कि सबका सम 191 बन रहा है। तो सेकेंड टू ट्वाइस द फर्स्ट प्लस थ्री टाइम्स द सेकेंड, यानी कि 3x प्लस 3 हो जाएगा, एंड फोर टाइम्स द थर्ड, यानी कि 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 191। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 10x, ये हो जाएगा 10x, 6 और 4 10x, यहाँ 11, यानी कि 180। 11 माइनस करेंगे 8, 9, 10 से 11, तो 180। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से 18। तो इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, कैसे होगा, कहीं गलती हो रहा है क्या? फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, ओके, ट्वाइस द फर्स्ट, थ्री टाइम्स द सेकेंड, ठीक है, थ्री टाइम्स द सेकेंड, फोर टाइम्स द थर्ड, 4x प्लस 8 सही है, इज इक्वल टू 191। ओके, यहाँ पे 6 और 5, यहाँ पे 9x होगा, सॉरी, तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैच हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको मैच कर लेना। तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा ही, बाय द वे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हो अगर आप इसमें, अगर लगता है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एमटीएस में पूछे गए हैं।